बुरहानपुर जिले के शिवाजी नगर, सूर्यवंशी नगर, करीम नगर, चिंचाली के मुख्य आवागमन का रास्ता रेलवे क्रॉसिंग से लगा हुआ है, जहां से लोग मजदूरी, रोजाना हाट, बाजार, हॉस्पिटल, स्कूल जाने का काम करते हैं। यह रेलवे क्रॉसिंग ही एकमात्र रास्ता है। पहले भी कई बार अंडरग्राउंड ब्रिज को लेकर स्थायी लोगों ने मांग उठाई थी, जिसको लेकर सांसद, विधायक ने इंजीनियर अंडरग्राउंड ब्रिज सीमांकन की थी, किंतु यह केवल आंखों भरो है, चैनलों की सुर्खियों बनकर रह गया है। जबकि आए दिन स्कूल के बच्चे यहीं से जान जोखिम में डालकर रेलवे क्रॉसिंग पार करते हैं, जो उनके माता पिता को चिंतित करता है। अभी देखो भैया, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। अब मैं गाड़ी कैसे, किधर से निकालूं गाड़ी? अब गाड़ी के लिए तो मेरे को उत्तर पूरा खींच के लेके जाना पड़ेगा। क्रॉसिंग पे कोई ध्यान नहीं दे रहे, बहुत तकलीफ होती है भैया। आने जाने को परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। रोज का आना जाना ऐसी है? रोज का आना जाना है, बच्चे भी निकलते हैं स्कूल के, बहुत दिक्कत जाती है। कहाँ रहते हैं आप? मैं लालबाग शिवाजी नगर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बुरहानपुर रेलवे स्टेशन के उस पार जो है दो वार्ड के निवासी 47 और 48 शिवाजी नगर और चिंचाला के रहते हैं, और इन लोगों को जो है अभी तक के अंडर बाईपास या ओवर ब्रिज की कोई भी सुविधा नहीं मिली है। और एक वो ज्वलंत समस्या है कि हमारे जैसे बुजुर्ग लोगों के लिए और स्कूल जाने बच्चों के लिए यहाँ पर जो है अंडर ब्रिज बनना अनिवार्य है। कई बार इसका सर्वे सांसद, विधायक और अन्य लोगों के द्वारा भी किया गया, रेल प्रशासन इस ओर अभी तक के भी ध्यान नहीं दे रहा है। आचार संहिता लग चुकी है, फिर भी कोई काम नहीं हो पा रहा है। पत्रकार जी महोदय, हम तो देखो शिवाजी नगर में रहते हैं और जहाँ तक का हमारा जाना आना यहाँ से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ क्या है, कभी कभी हमारे बुढ़ी महिला है, कभी कभी कोई औरत डिलीवरी पीरियड में रहती है, उनको ले जाना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ का काम होते हैं। और इधर फिर क्रॉसिंग करते इतने दूर से जाओ तो यानी नाले से जाने आने के अंदर इतनी परेशानी होती है कि तो महिला परेशान हो जाती और बच्चे स्कूल वाले। तो ये अगर ये रेलवे क्रॉसिंग का काम अगर हो गया तो ये हमारे शिवाजी नगर और चिंचाले वालों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लोगों को इससे फ़र्क पड़ेगा। और यहाँ से जाने आने वाले जितने जन है, क्योंकि हम भी क्या डर रहता ही है, गाड़ी घुड़ी का है, कोई कोई महिला बुढ़ी महिला रहती बेचारी क्रॉस नहीं कर पाती है, गाड़ी तो हम आवाज़ देते। अब कभी कभी अपन रहते नहीं रहते तो परेशानी देखते तो वो तकलीफ होती है।